चंडीगढ़ में कार्निवाल मेले की शुरुआत। बनवारी लाल पुरोहित ने किया उद्घाटन। शाम को म्यूजिकल नाइट्स से होगा मनोरंजन। मेले में नहीं होंगे बड़े झूले। इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। शुक्रवार से युवाओं की धड़कन। कार्निवल मेले का आगाज हो गया। सुबह सेक्टर 10 स्थित गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने इसका उद्घाटन किया। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में लोगों को जहां हॉप ऑन हॉफ बस में लोगों को घूमने का मौका होगा, वहीं रोजाना शाम को म्यूजिकल नाइट्स से मनोरंजन होगा। खास बात यह है कि इस बार लेजर वैली के अलावा सेक्टर 42 स्थित न्यू लेक, सुखना लेक, बोटैनिकल गार्डन में भी कार्निवल के उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं सेक्टर 42 स्थित न्यू लेक पर 75 ढोली ढोल की थाप पर लोगों को खूब नचा रहे हैं। साथ ही स्ट्रीट प्ले, रशियन, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश और नेपाल के कलाकार वर्कशॉप लगाएंगे। फूड स्टॉल, क्राफ्ट मेला, टैटू मैचिंग स्केच के अलावा विंटेज कारों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। कोरोना की वजह से 2 साल बाद हो रहे कार्निवल की खासियत यह है कि इसके सभी कार्यक्रम में लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। लेजर वैली में होने वाली कला प्रदर्शनी, 3D इंस्टॉलेशन, लाइव चित्रकारी, शिल्प प्रदर्शनी, टैटू बनाना, स्केच बनाना आदि में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा NZCC की तरफ से नुक्कड़ नाटक होगा। लेजर वैली में अम्यूजमेंट पार्क, फूड कोर्ट, व्यापार स्टॉल आदि हिस्सा होंगे। न्यू लेक पर पूरे दिन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, असम, मणिपुर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आदि के NZCC कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शन होंगे। इसमें लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। कार्निवल में इस बार बड़े झूले नहीं लगाए जाएंगे। इसके पीछे विभाग ने लोगों की सुरक्षा का हवाला दिया है। विभाग की तरफ से बताया गया, दुर्घटना संभावित झूले जैसे जायंट व्हील, कोलंबस बोट, ब्रेक डांस, रेंजर, टावर झूला आदि नहीं लगाए जाएंगे। चंडीगढ़ से महिपाल की रिपोर्ट। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसलिए हमारे सभी पेज को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ताकि हर अपडेट पहुंचे आप तक सबसे पहले।